और 11 का समाधान मौके पर ही कर दिया गया है। बाकी के लिए टीमें बना ली गई हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को दे दिया गया है। बिजली की थी, ब्लॉक की थी, मनरेगा की थी, बैंक की थी, पुलिस की भी थी। जो ज्वाइंट टीम बना करके जो बहुत टिपिकल केसेस थे उसमें टीम बना दी गई है। बाकी लेखपाल को बुला लिया गया, कानून को बुला लिया गया, बैंक मैनेजर आया ही था उससे बात हो गई, किसी का प्रमाण पत्र देना है वसीयत का या सक्सेशन सर्टिफिकेट देना है, नाना प्रकार की प्रॉब्लम होती हैं पब्लिक की, नगर पालिका से संबंधित थी, तो सबका जो है गुणात्मक निस्तारण करने का प्रयास किया गया है। और जो इंटरटेन अभी नहीं हो पाई है उनकी टीम बनाई गई है। कोशिश ये है, हमने सबको संबोधन में भी कहा है ये बात, यहाँ आने का फायदा यह है कि एक प्लेटफॉर्म पे सब लोग मिल जाते हैं तो पब्लिक को इसका अधिक से अधिक फायदा मिलना चाहिए। सर सबसे ज़्यादा किसकी किससे संबंधित शिकायतें हैं? अब ये कैलकुलेशन नहीं किया गया है। अब समस्याएं तो देखिए, अब जैसे SDM साहब हैं, CO साहब हैं, पुलिस हैं, DM साहब हैं, सर एक शिकायत आई थी, चार छः तो मेनली हम लोग ही होते हैं, बाकी तो हर जगह की थी। एक सर मुख्य तौर पर सर वो कौन सी समस्या रही जिसका तत्काल प्रभाव से निस्तारण आपके द्वारा किया गया? मेरी समस्या जो है सबसे अधिक वहाँ सब लोगों ने एक स्वास्थ्य विभाग के पिछवाड़े बन रहा था, उसका चार दीवारी बन रही थी, एक वकील साहब अड़े हुए थे कि हमारा गेट है, दरवाजा है, मेरे आवाजाही बंद हो जाएगी। तो जमीन स्वास्थ्य विभाग की थी, हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो बाउंड्री बनाई जाएगी वो आपकी खिड़की के नीचे ही रहेगी, आपको हवा पानी मिलता रहेगा, आपके घर का पीछे का भाग है और वो स्वास्थ्य विभाग की जमीन है, वहाँ पेड़ वेड़ लगाए जाएंगे। तो सबसे अधिक बहस वकील साहब ने ही किया और हम लोग समय ज्यादा उधी में उसी में दिए, बाकी तो क्वालिटेटिव डिस्पोजल बहुत सारे लोग ने दिए। सारे जहां से अच्छा मैं सर्वेश बघेल, बहुजन समाज पार्टी वरिष्ठ कार्यकर्ता, 86 विधानसभा एतमादपुर आगरा से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना देता हूं और एतमादपुर की जनता से भी अपील करता हूं कि कोविड को ध्यान में रखते हुए त्योहारों को धूमधाम से मनाएं। जय भीम, जय भारत। मैं राकेश बघेल, चेयरमैन एतमादपुर, 15 अगस्त और रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना देता हूं और कोरोना काल का ध्यान रखते हुए सभी लोग मास्क का प्रयोग करें और थोड़ी दूरियां बनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं राकेश बघेल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आगरा, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और एतमापुर विधानसभा के जन जन लोगों को 15 अगस्त, जन्माष्टमी और रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और एक संदेश और निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से कोरोना काल का जो दौर गया है उसको पालन करते हुए, कोविड का पालन करते हुए सब लोग 15 अगस्त को बड़ी धूमधाम के साथ और अच्छे ढंग से के साथ मनाएं।